दोस्तों आज हम हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो का वाक्या जानने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वाक्य को जरूर सुने। ये वाक्या है हजरत बिलाल पर होने वाले जुल्मों सितम का। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कलमा पढ़ा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो का मालिक किस तरह उन पर जुल्म किया करता था। आपको तपती हुई जमीन पर लिटा दिया जाता था, जो कि तांबे की तरह गर्म होती थी। उसके बाद आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और किस तरह से आपके पैरों में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घुमाया जाता था। पूरा वाक्या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गुजारिश है इस वाक्य को पूरा जरूर सुने और इसे और लोगों तक पहुंचाए भी। एक रात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुजर रहे थे, तभी आपने एक घर से किसी आदमी की रोने की आवाज सुनी। आवाज में इतना दर्द था कि आप उस शख्स के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हब्सी था, वो चक्की पीस रहा है और रो रहा है। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर में आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूं की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी तो आराम मांगता है, मुझे भी तो नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता है। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ही जिंदगी गुजारना लिखा है? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु सल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागकर उस गुलाम के बदले चक्की पीसते रहे। दूसरे दिन फिर आपने ऐसा ही किया। इसी तरह से आप कुछ दिनों तक उस गुलाम की जगह खुद चक्की पीसते थे, रात भर चक्की पीसते और सुबह आप अपने घर को चले जाते। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुंचे तो गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और मेरा आप इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और ना ही कोई फायदा। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? उसके बाद आप सल्लल्लाहु सल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उसने कहा कि हाँ मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही उस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो मोहम्मद है तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। सुभान अल्लाह। पता चला कि वो गुलाम बिलाल थे। उसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों उसके बाद ये बात जब हजरत बिलाल के मालिक को पता चली कि मेरे गुलाम ने मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस गुलाम यानी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो को पहले से भी ज्यादा दुख और तकलीफ देना शुरू कर दिया। हजरत अस्सार बिन सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खजूर की रस्सी में कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसे तुम किस गुनाह की सजा दे रहे हो?
तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफा का पढ़ता है, हम इसको मुस्तफा से दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हजरत सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वह लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे थे, वैसे वैसे उसकी जबान से हक हक की आवाज तेज होती जा रही थी। वो लोग उस गुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे, कभी उसके हाथ पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देते थे, तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, तो कभी उस हब्सी गुलाम के हाथों में बेड़िया ठोक रहे थे, तो कभी उसकी जबान पर गर्म कोयले रख रहे थे, तो कभी उनके पांव में रस्सी डालकर उनको घसीट रहे थे। उस हब्सी गुलाम का पूरा जिस्म लहू लुहान हो चुका था, मगर फिर भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। इतने में एक शख्स ने कहा कि ऐ बिलाल, ये क्या मामला है, ये लोग तुम पर इतना जुल्म कर रहे हैं और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। तो हजरत बिलाल ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, अगर तुम बाजार में मिट्टी का प्याला भी खरीदने जाओगे तो उसको भी तुम थोक थोक कर देखोगे कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है। इसी तरह से मेरा अल्लाह भी देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है, मेरी खाल भी उधेड़ दी जाएगी तो भी मैं हक की सदा बुलंद करता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का की एक गली से गुजर रहा था कि अचानक मैंने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज में इतना दर्द था कि उसको सुनकर मैं बेचैन हो गया और उस आवाज की तरफ चल दिया। मैं दौड़ता हुआ वहां गया जहां से वो आवाज आ रही थी और जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। 4 लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़ रखे हैं, उसको उठाते हैं और फिर जमीन पर गिरा देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर जमीन पर गिरा देते हैं, और वो 5वां अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए हुए खड़ा है। जैसे ही वो 4 लोग उसको जमीन पर पटकते हैं, तो वो 5वां शख्स उस पर बड़ा सा पत्थर डाल देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास गया, मैंने देखा कि वो गुलाम पूरी तरह लहू लुहान था, उसका पूरा जिस्म लहू से तर था, लेकिन फिर भी वो हक हक की सदा लगा रहा था। मैंने उनसे कहा कि ऐ लोगों, रुको, तुम क्यों इस गरीब को मार रहे हो। उन लोगों ने कहा कि हम इसे मारेंगे और बहुत मारेंगे, क्योंकि यह खाता हमारा है और कलमा मुस्तफा का पढ़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों ने कहा कि छोड़ दो इसे और मुझे बेच दो। उन लोगों ने सोचा कि हम इसे इतनी ज्यादा कीमत बता देते हैं कि ये यहाँ से चला जाए, फिर हम इस पर और जुल्म करेंगे। यही सोचकर उन 5 ने उस गुलाम की इतनी बड़ी कीमत बोल दी। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों ने फरमाया कि अगर तुम इसकी दुगनी कीमत भी बोलते तो भी मैं इस शख्स को यहाँ से लेकर ही जाता। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है, इस काले रंग के गुलाम में जो तुम इतनी ज्यादा कीमत पर तुम इसे खरीद रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों ने कहा, तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी, यही गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों ने दीनार और दिरहम मंगवाए और उन लोगों को देकर उस गुलाम को आजाद करा दिया। हजरत बिलाल लहू लुहान जमीन पर लेटे हुए हैं और कहने लगे, ऐ अबू बकर, आज तुमने मुझ पर ये एहसान किया है, मुझे आजाद करा के अब एक और एहसान मुझ पर कर दो, मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो। तो दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हों ने जुल्म सहन किए और किस तरह मुसीबतें बर्दाश्त किए, लेकिन नापाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज बड़े बड़े बादशाह भी उस गुलाम पर फख्र करते हैं, उस गुलाम का सदका मानते हैं, उस गुलाम जैसी गुलामी मानते हैं।
हजरत बिलाल को अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, लेकिन न पाक सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हब्सी रज़ियल्लाहु तौला अन्हो के नाम से जानती है। न पाक सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक गुलाम को वो मुकाम अता किए जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी छोटे हो गए। सुबहानअल्लाह दोस्तों, अल्लाह तौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तौला अन्हो से सच्ची मोहब्बत करने